नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे बिगनेस्ट के आईडी के बारे में। यदि आप बिगनेस्ट का न्यू आईडी लिए तो आपको इनके साथ क्या क्या सर्विस मिल जाएगी और आप उस सर्विस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, चलिए जानते हैं। जब आप बिगनेस्ट के आईडी को ओपन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस मिल जाएगा इसके एप्लीकेशन में। यहाँ से आपको सारे सर्विस को पहले ऐड करना होता है। जैसा कि आप अभी यहाँ देख पा रहे हैं कि मेरा पहले से सारे सर्विस ऐड किए हुए हैं। ऐड करने के लिए आपको क्या करूँगा, देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सर्विस की, फिर आपको इसी सर्विस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको सारे सर्विस को बाय करना होता है। इसमें कुछ सर्विस पैसे दे करके बाय करने होते हैं और कुछ सर्विस आपको फ्री मिल जाएंगे। ज़्यादातर सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा बिगनेस्ट के तरफ से। उसके बाद जब आप बाय कर लेगा तो क्या आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑलरेडी परचेज कीजिए, ये सारे सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। जैसे आप यह देख पा रहे हैं कि इतनी सारी सर्विस हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ से आपको कैसे इस्तेमाल करना है इन सर्विस को चलिए बता देते हैं। सबसे पहले इसमें आपको मिल जाएगा ऑप्शन मोबाइल रिचार्ज, यहाँ से आप अपने कस्टमर का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी नेटवर्क का हो यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको मोबाइल नंबर डाल देना होगा, उसके बाद यहाँ से एरिया कोड अर्थात उनका जो भी नेटवर्क होगा एयरटेल BSNL जियो जो भी हो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको उसका सर्किल सेलेक्ट करना होगा, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से आप डाल करके इसे मान लीजिए गुजरात से बिलोंग करते हैं। उसके बाद कितने बैलेंस का आप अमाउंट इंटर करना चाहते हैं अर्थात कस्टमर कितने का रिचार्ज करना चाहता है, आप रिचार्ज कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से अमाउंट डाल करके, या फिर उनका प्लान भी इस ब्राउजर प्लान के ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा DDH की, आप यहाँ से अपने कस्टमर का DDH का भी रिचार्ज करके दे सकते हैं। इसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ से सब्सक्राइबर अर्थात उनका आईडी डालना होगा जिस भी नेटवर्क का होगा, जैसे कि नेटवर्क चेक करेंगे देखिए आपको ऑपरेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप ऑपरेटर के ऊपर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद देखिए आपको मिल जाएगा ऑप्शन एयरटेल की, डिश टीवी की, सन की, टाटा स्काई की, वीडियोकॉम की, आप जिसका भी रिचार्ज कर रहे हैं आप यहाँ से डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से इंटर अमाउंट जितना बैलेंस का आप रिचार्ज करना चाहते हैं इंटर अमाउंट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से उसका रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा जब आप यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा आपको BBPS अर्थात भारत बिल पेमेंट सिस्टम, यहाँ से आप सारे बिल पेमेंट कर सकते हैं, देखिए आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यदि आप किसी और के बारे में डिटेल पूर्वक जानकारी चाहते हैं इनमें से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप इसका आईडी लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे द्वारा भी आईडी ले सकते हैं। चलिए आपको इसके बारे में और भी सर्विस जो मिलेंगे उसके बारे में पहले आपको बता देते हैं। उसके बाद बैक आने के बाद देखिए आपको मिल जाएगा ऑप्शन फिर DMT की, यहाँ से आप DMT के माध्यम से मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। कि मनी ट्रांसफ़र करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, चैनल वन अर्थात ये ICICI बैंक है और चैनल टू यस बैंक है। आप दो माध्यम से यहाँ से पैसे भेज सकते हैं, यस बैंक और ICICI बैंक के माध्यम से। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ आपको पहले कस्टमर का मोबाइल नंबर इंटर करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके उनका सारा डिटेल फिलअप करना होगा। यदि आप ये जानकारी डिटेल पूर्वक चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको और ऑप्शन मिल जाएगा APS की, आप यहां से अपने कस्टमर का आधार कार्ड के माध्यम से उनको पैसे निकाल करके दे सकते हैं। देखिए आपको यहां से तीन ऑप्शन मिल जाएगा, पहले कैश विड्रॉल, फिर मिनी स्टेटमेंट और सबसे नीचे आने के बाद देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैलेंस इंक्वायरी की। यहां से आप अपने कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट निकाल करके दे सकते हैं, अकाउंट का बैलेंस चेक करके बता सकते हैं उनको और उनको पैसे निकाल करके भी दे सकते हैं इनके माध्यम से। इसके लिए भी देखिए आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, एक चैनल वन है ICICI बैंक, आप ICICI बैंक का इस्तेमाल करके भी अपने कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकाल कर उनको दे सकते हैं, चाहे उनका अकाउंट इंडिया के किसी भी बैंक में है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, किसी भी बैंक में है आप पैसे निकाल के दे सकते हैं। और दूसरा चैनल टू ये है यस बैंक, आप यस बैंक APS का इस्तेमाल करके भी उनके अकाउंट से पैसे निकाल के दे सकते हैं। आपको दो APS सर्विस मिल जाएगी इस एप्लीकेशन में। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ सबसे पहले आपको बैंक सेलेक्ट करना होगा जिस भी बैंक में आपके कस्टमर का अकाउंट होगा। यहाँ से इंडिया के अंदर में जितने भी बैंक हैं सारे बैंक का नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिस भी बैंक में उसका यहाँ से बैंक का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें आपको आधार नंबर डाल देना होगा अपने कस्टमर का, उसके बाद यहाँ उनका मोबाइल नंबर, कस्टमर का मोबाइल नंबर जो भी होगा उनसे पूछ करके इसमें डाल दीजिएगा, कितना अमाउंट निकालना चाहता है अमाउंट डाल दीजिएगा। यदि वो अमाउंट निकालना नहीं चाहता है, केवल बैलेंस चेक करना चाहता है, इसके ऊपर क्लिक करके उसके बाद बैलेंस इंक्वायरी के ऊपर क्लिक करके सारे डिटेल फिलअप करने के बाद चेक करके उनको बता सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं इसके अगले सर्विस के बारे में। अगला सर्विस है देखिए माइक्रो FD, आप यहाँ से अपने कस्टमर का कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से इंश्योरेंस करके भी दे सकते हैं। ये सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा इस एप्लीकेशन के द्वारा। और भी इनके साथ आपको सर्विस मिल जाएगी देखिए आधार पे की, यदि मान लीजिए आप किसी कस्टमर का एक महीने में 3 से 4 बार पैसे निकाल लिए, उनकी लिमिट खत्म हो गई है, फिर भी आप इस सर्विस का इस्तेमाल करके उनके अकाउंट से पैसा निकाल करके उनको दे सकते हैं आधार कार्ड के माध्यम से। कैसे, इसके लिए देखिए आपको यहाँ पहले बैंक सेट करना होगा,
उसके बाद यहाँ से आपको अपने कस्टमर का आधार नंबर डालना होगा, उसके बाद यहाँ से उनका मोबाइल नंबर डाल देना होगा, उसके बाद कितना अमाउंट निकालना चाहता है अमाउंट को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके फिर आपको नीचे मिल जाएगा ऑप्शन नेक्स्ट का, नेक्स्ट पर क्लिक करके उनके अकाउंट से पैसा निकाल करके हम लोग को आप दे सकते हैं। उसके बाद क्या आपको और ऑप्शन मिल जाएगा कैश डिपॉजिट, यहाँ से आप डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। जमा करने के लिए देखिए क्या करना होगा, पहले आपको अपने कस्टमर का अकाउंट नंबर डालना होगा, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद इंटर अमाउंट, उसके बाद गेट ओटीपी, जो भी आप मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, उसके बाद उस ओटीपी को यहाँ फिलअप करने के बाद जितना भी आप पैसा भेजना चाहते हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको और सर्विस मिल जाएगी केस में सेविंग अकाउंट की, इसके साथ आप अपने कस्टमर का यहाँ से सेविंग अकाउंट ओपन करके भी दे सकते हैं। ये देखिए NSDL पेमेंट बैंक का CSP पॉइंट है, अर्थात यहाँ से आप अपने कस्टमर का NSDL पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करके उनको दे सकते हैं। यहाँ से हम इस सर्विस का इस्तेमाल करके अपने कस्टमर का अकाउंट ओपन करके देते हैं जीरो बैलेंस के साथ। लेकिन आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से ओपन नहीं कर सकते, इसको ओपन करने के लिए आपके पास कोई PC या फिर लैपटॉप होना चाहिए, आपको वहीं से अकाउंट ओपनिंग की सर्विस मिलेगी। यदि आप इसके एप्लीकेशन के माध्यम से अकाउंट ओपन करना चाहिए तो अभी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें अभी लाइव नहीं हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको उसमें लॉगिन करना होगा अपना ID पासवर्ड डाल करके। उसके बाद यहाँ से आपको अमेजोन का स्टोर भी मिल जाएगा, आप यहाँ से अपने कस्टमर का अमेजोन का भी सर्विस दे सकते हैं। यदि आप इसके बारे में डिटेल पूर्वक जानकारी चाहते हैं आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको इसके बारे में डिटेल पूर्वक जानकारी दे देंगे।